एवरीबॉडी, आज का ये स्पेशल लेक्चर रिपब्लिक डे के ऊपर है कि किस तरह से काकोरी कांड में कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। काकोरी कांड क्या है? काकोरी कांड कहा जाता है कि उस वक्त के यूपी के बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाम नहीं तो ये शेर आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा, बहुत ही मशहूर शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर राम प्रसाद बिस्मिल का है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहा था। तो आइए जानते हैं कि काकोरी कांड क्या था और काकोरी कांड क्यों हुआ और फिर काकोरी कांड में 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने एजुकेशन करने के लिए अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पार्टी तो बना ली लेकिन उसे चलाने के लिए तो फंड चाहिए, पैसे नहीं थे। इन लोगों ने सोचा कि जितने भी हिंदुस्तान के अमीर लोग हैं उनसे चंदा करेंगे ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हम एजिटेशन कर सकें। तो इसी दौरान पता चला कि ब्रिटिश यानी यहाँ पे जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, वो लोग एक बहुत बड़ा खजाना लखनऊ से दिल्ली ले जा रहे हैं, वो भी ट्रेन के जरिए। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम उस खजाने को लूट लें ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से लड़ सकें। यही सोचकर 10 लोगों की एक टीम तैयार की गई कि कैसे उस ट्रेन का खजाना लूटा जाएगा। उन 10 लोगों में ये 3 बहुत ही मेन लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र सिंह लाहिरी। 10 लोगों की टीम 9 दिसंबर 1925 को, जिस दिन ब्रिटिश लखनऊ से अपना खजाना दिल्ली ले जा रहे थे, स्टेशन लखनऊ स्टेशन पे पहुंच गए और उस ट्रेन में सवार हो गए। वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, जाहिर सी बात है कि उस वक्त पैसेंजर ट्रेन ही हुआ करती थी। जैसे ही ट्रेन लखनऊ स्टेशन से छूटी, फिर काकोरी स्टेशन पे पहुंची और जैसे ही काकोरी स्टेशन से ट्रेन खुली तो सबकी ड्यूटी अलग अलग बांट दी गई थी। कहा जाता है कि राजेंद्र सिंह लाहिरी ने गाड़ी की चेन खींच दी और अशफाकुल्ला खान ने अपना पिस्तौल ड्राइवर के कनपट्टी पर रख दिया और ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया और खजाना गार्ड के डब्बे में था। वहां पे राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन्होंने गार्ड को औंधे मुंह लिटाकर खजाने को के बक्से को ट्रेन से नीचे गिरा दिया और फिर ट्रेन को इन लोगों ने जाने दिया। उस ट्रेन में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर सफर कर रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इन लोगों के सामने आए। उन्हें मालूम था कि ये लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हैं, अगर इनके सामने आए तो ये लोग हमें नुकसान पहुंचा देंगे। इस वजह से अभी इन लोगों के सामने आने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग भागकर कहां जाएंगे। ट्रेन
चली गई और खजाना बहुत बड़े बक्से में था। कहा जाता है कि उसका ताला ये लोग तोड़ने लगे, लेकिन इतना मजबूत ताला था कि वो टूट नहीं रहा था। फिर आखिर में बहुत मुश्किल से एक बहुत बड़े हथौड़े के जरिए अशफाकुल्ला खान ने उस ताला को तोड़ा और उसमें जो कुछ भी रुपए पैसे थे उसको इन लोगों ने एक चादर में लपेट कर अपने कब्जे में लेकर इधर उधर चले गए। लेकिन कहा जाता है कि दूसरे ही दिन 10 लोगों में से 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 9 लोग पकड़े गए। सिर्फ बचे थे तो वो अशफाकुल्ला खान थे, ये पकड़ में नहीं आए। ये अपना हुलिया इन्होंने कुछ ऐसा बदल लिया और पुलिस से बचते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। बकिया 9 लोगों को गोरखपुर के जेल में डाल दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलने लगा और ये तय था कि इनमें से कुछ लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी। 1.5 साल के बाद अशफाकुल्ला खान को उनके ही बहुत करीबी दोस्त ने गद्दारी करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया और अशफाकुल्ला खान भी 1.5 साल के बाद पुलिस के गिरफ्त में चले गए और उन्हें फैजाबाद की जेल में बंद कर दिया गया। इन पे भी मुकदमा चलने लगा और कहा जाता है कि इन 3 लोगों को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र सिंह लाहिरी को फांसी की सजा सुना दी गई। बकिया 7 लोगों को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई, यानी ये लोग अब पूरी जिंदगी जेल में ही बंद रहेंगे। इन 3 लोगों को एक ही दिन जहां जहां ये जेल में बंद थे इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। वो दिन था 20 दिसंबर 1927 को इन लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। इन लोगों ने खुशी खुशी खुद ही फांसी के फंदे को गले में डाल लिया और फांसी पे झूल गए, फांसी पे लटक गए। फांसी के बाद एक बहुत बड़े कवि अग्निवेश शुक्ल ने अशफाकुल्ला खान के जज्बात को शायरी में कलम बंद किया। उन्होंने कहा कि यकीनन अशफाकुल्ला खान के दिल में फांसी से पहले यही जज्बात उभर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा ले नया जन्म ए भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी कहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनः जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। हां खुदा मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूंगा, एक नया जन्म ही मांगूंगा। थैंक यू वेरी मच।